ठीक है, लिखो अगला, लिखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज इतनी थी। अब दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल किस तरीके से निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर हमको एंगल निकालना है तो किस तरीके से निकालें। तो सबसे पहले तो देखो अपन वेक्टर को किससे, एरो से बताते हैं ना, तो एरो का जो ये पार्ट होता है ना इसको हम बोलते हैं हेड या फिर टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर का जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं टेल या फिर इनिशियल पॉइंट। देखो लिखो भाई, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखो टू वेक्टर्स मस्ट बी जॉइंड ईदर टेल टू टेल एंगल बिटवीन देम टू फाइंड एंगल बिटवीन देम। जैसे ये लो एग्जाम्पल, है ना, ये मान लो ये तुम्हारा ए वेक्टर है और ये तुम्हारा बी वेक्टर है, इन दोनों ये दरफा है 120 डिग्री, तो बताओ भाई एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा बताओ, ठीक है ना। तो क्या है कि भाई अभी ये जो दिया है उसको हम एंगल नहीं मानेंगे क्योंकि इनके अभी हेड और टेल ज्वाइन है। एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो टेल टू टेल करो या फिर हेड टू हेड करो। तो दो तरीके हमारे पास, पहला तरीका है टेल टू टेल ज्वाइन कर देते हैं। अब हमने पढ़ा था कि भाई वेक्टर की पोजीशन कुछ भी नहीं बता सकती, बताती है ना, वेक्टर को उठा के तुम कहीं भी रख सकते हो। तो टेल टू टेल ज्वाइन करने के लिए इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, एक तरीका। दूसरा तरीका इसको यहाँ से उठा के यहाँ कर दो, सेम ही बात है, कुछ भी करो, है ना। तो अपन रख देते ना, ये मान लो ए वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ठीक आ गया। और हमको पता है भाई इतनी तो मैथमेटिक्स हमको पता ही है, ये पूरा 180 होता है, तो ये कितना होता है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। अब टेल टू टेल ज्वाइन है क्या, हाँ, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो गया 60 डिग्री। ये अपनी मेथड नंबर वन है। मेथड नंबर टू क्या है, हेड टू हेड ज्वाइन कर दो इनको। उसका तरीका क्या है, या तो इसको उठा के ऐसे रख दो, है ना, या फिर इसको ऐसे पीछे कर दो थोड़ा सा, तो पीछे कर देते हैं बी वेक्टर को थोड़ा सा। तो ये तुम्हारा ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर यहाँ पे था, इसको ऐसा रख दिया मैंने, तो भाई इधर पे लेके जाऊंगा 60 डिग्री, ये भी तो 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तुम्हारा कितना आ गया 60 डिग्री। हेड टू हेड जॉइन है ना, तो जब टेल टू टेल या हेड टू हेड तुम ज्वाइन करते हो उस समय जो एंगल होता है वही क्या कहलाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। फर्क नहीं पड़ता तुम तो ऐसे करो ऐसे करो, सेम ही आएगा हमेशा। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन ऑल थ्री वेक्टर्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन ऑल थ्री वेक्टर्स, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, कितना है बताओ। अरे इसके देखो पहले तो ये बताया भाई, इक्विलेटरल है तो 60 60 60, तो ए और बी के बीच में क्यों, क्योंकि ऑलरेडी टेल टू टेल है, सी और ए के बीच में हेड टू हेड है, इनके बीच का भी 60 ही है, नहीं है, हाँ, यहाँ पे क्योंकि हेड टू टेल जॉइंट है, तो शिफ्ट कर लेना एंगल निकालने के लिए, सी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ मैं, सी वेक्टर को यहाँ पे रख देता हूँ। ये एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, ये आ जाता है, ठीक है। जब इस तरह से जॉइन होते हैं तो ये वाला एंगल होता है, ये वाला नहीं होता दो वेक्टर वाला, है ना, ये एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।